थैंक यू वीवर्स, मैं बेबी अजीमी। कैसे हैं आप सब? जी जनाब, ये गोल गोल छोटे छोटे से दाने राई के बड़े फायदेमंद बीज हैं जी। इससे पहले मैंने आपको राई और पालक के साग का ताऊफ करवाया था जी, तो अब मैंने कहा कि आपको मैं बीजों का भी बता दूं। ये बड़े ही फायदेमंद बीज हैं जिनके बगैर किसी भी किस्म का अचार अधूरा रहता है जी, चाहे वो तेल का अचार हो या पानी का या सिरके का। सब अचारों का जायका राई से दुबाला हो जाता है। हमारे यहाँ के बहुत ही कम अफराद व्यूअर्स राई की अहमियत और अफादियत से वाकिफ हैं जी, मगर अब्रोड के बाहर के बेशतर ममालिक में राई को, मस्टर्ड पाउडर को खानों का जायका बढ़ाने के लिए और वेट को कम करने के लिए यूज किया जाता है। इसका वो पाउडर बना लेते हैं और येलो कलर का इसका खट्टा सा पाउडर बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद वाइटामिन सी की वाफर मिकदार बॉडी को स्लिम करने में हेल्प आउट करता है और चर्बी की इजाफी मिकदार को बर्न करने लगता है। विवस हमारे जिस्म को वाइटामिन सी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहता है, इसीलिए हर फल हर सब्जी में अल्लाह ताला ने इस वाइटामिन को कम या ज़्यादा मिकदार में ज़रूर शामिल किया है जी। बॉडी और ठंड से बॉडी में होने वाले दर्दों को ये राई के बीज जड़ से ख़त्म कर देते हैं और इसका खट्टा खट्टा सा टेस्ट अचार को मजीद खट्टा कर देता है और खानों में इसका जायका बहुत ही भला सा लगता है। अगर आप चाहें तो एक इसका भी मसाला बना के अपने खानों में यूज कर सकते हैं, आधा टीस्पून, क्योंकि बाहर वाले इसकी अहमियत से वाकिफ है जी। हम लोग इतना नहीं जानते, हम लोग इतना यूज नहीं करते, बट मैंने कभी कभी इसे यूज किया है जी। तो उम्मीद है कि आपको राय की सब्जी और उसके बीजों का तारुफ जरूर पसंद आया होगा। जरूर बताएगा कमेंट्स में, कमेंट्स किया कीजिए। ओके, मुझे वेट रहता है कि आपको मेरा कुछ वीडियो लाइक है कि डिसलाइक है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जाने से पहले अल्लाह ताला से मोहब्बत जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।